मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने कोई कॉल नहीं की, कोई फोन नहीं किया। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इतना बड़ा धोखा दे रही हो तुम हम लोगों को। तुम हसन को धोखा दे रही हो शाहजेब मुझे। क्या कह रही है ये? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। अरे उमर बाबा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें उमर बाबा ये गाड़ी, ये छोड़ दें, छोड़ दें। अरे 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 उमर बाबा छोड़ दें उमर बाबा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हेलो, सॉरी जहांगीर, मैं आपको इसलिए कॉल करी थी। मेरी बात सुनो, उमर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? और अभी गौहर और अम्मी को कुछ मत बताना। जी। कैसे रोकूं अफशा को? क्या बताऊं कि ये जॉब फरवा ने दिलवाई थी? बता दूं कि तुम्हारा बॉस वही है जिससे शाहजेब और फरवा तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे? नहीं, अभी तो ये मेरे लिए बहुत परेशान हो गई है। जॉब छोड़ देगी तो हर मस्ता हो जाएगा। मुझे थोड़ा सब्र करना होगा। एक्सीडेंट हो गया था, वो वहाँ पे बेहोश हो गया। लोगों ने जमा करके यहाँ पे मुझे अंदर कहाँ है यार? वो सब इनके साथ मेरा बेटा। अच्छा, देखिए एमआरआई कराकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। हेड इंजरी भी हो सकती है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स आने देंगे, आप दुआ कीजिए। भाई प्लीज लाइट्स बंद कर दे। सारे घर में ढूंढ रहा था तुम यहां आके बैठे ना। भाई मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। कैसे अकेला छोड़? भाई मैंने कहा ना प्लीज समझा करें। एक गलत फहमी को अपने ऊपर इतना तारी क्यों कर लिया हसन तुमने? इतनी बड़ी बात आपको गलत फहमी लग रही है? फरवा को जानते हो? जानते हो तुम कि वो ऐसी लड़की? वो ऐसी ही है भाई। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरे एतबार को तोड़ा है उसने। पूरी मोहब्बत की आड़ में इतना घिनौना खेल खेल रही थी वो। आप ही ने तो उसे पहली नजर में पहचान लिया था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा होकर सबकी बातों को डिनाय करता रहा, सबको झूठा समझता रहा मैं। उसने आप ही के साथ और अम्मी के साथ बदतमीजियां की और आप उसे समझदार समझकर शह देते रहे, उसकी हिम्मत बढ़ाते रहे।
मुझे तो अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि काश मैं आपी की बात मान जाता। वो एक घटिया जज्बात में आके कोई बात मत करना सर। अभी मैं तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो उठो और मेरे साथ आके बाहर बैठो, अम्मी भी बहुत परेशान है। चलो अपना हुलिया ठीक करो और बाहर आओ। सुकून नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्यों फरवा ने रोक लिया मुझे। हसन को तो आ जाना चाहिए था अब तक। अपनी बेटी की हालत देखकर मैं मरे जा रहा हूं। मैंने फरवा की वजह से खुद को संभाला हुआ, आप भी संभालें खुद को प्लीज। तुम ठीक कहती हो, तुम जाकर देखो उसे, पता नहीं सुबह से अब तक उसने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। मैं उसके लिए खुद जूस बना लेता हूं। मैं देखती हूं उसको। मैं मान ही नहीं सकता, झूठ है ये। आप ही की बात पर तुम। गौहर ने राबी के लिए जो कुछ कहा क्या वो सच नहीं हुआ? आप ही की कौन जी? आप ही क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है, क्या हुआ है? हेलो हेलो, कहाँ हो तुम फरवा? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। शाज़े, मैं तुम्हारी आंटी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, फरवा आपके पास है? हाँ, बहुत बुरी हालत है उसकी। अच्छा आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। असल में हुआ ये कि मैं रमशा के पास गया था और हसन ने मारा है उसे। तुम चक्कर लगाओ,
उसे हौसला मिलेगा तुम्हारे आने से। नाइला, नाइला, आपके लिए खाना लगा दूं बड़ी बीबी? सब लोग कहाँ हैं? बाहर गए। रावी कहाँ है? वो भी गई है। रावी भी गई? किसके साथ गई? साहब आए थे, वो ही लेकर गए सबको। जाकिर आया था? गुस्से में थे? जी नहीं, ठीक थे, बातें करते हुए निकले। कैसे हो सकता है? कुछ तो बताया होगा, आपस में कोई बात की? जी जी, बाजार जाने की बातें कर रहे थे। बाजार लेकर गया? बाहर लेकर निकल गए? ये क्या कर रही है गौर? क्यों रावी की हरकत पर पर्दा डाल रही है? बाजार जाने की दुख मेरी समझ में नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, दिमाग की एक रग पे सूजन आ गई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए। अगले 3 घंटे में उसका होश में आना नहायत जरूरी है, नहीं तो फिर अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे बेटे के पास ले चले, वो होश में आ जाएगा, वो होश में आ जाएगा। मैं उसको आवाज दूंगी ना तो वो उठ जाएगा, वो होश में आ जाएगा। मुझे आप ही संभाले खुद को। अच्छा, संभाले संभाले संभालो। हम इस तरह नहीं लेकर जा सकते तुम्हें उमर के पास, संभालो अपने आप। मैं संभाल लूंगी अपने आप को, मैं संभाल लूंगी। मुझे एक दफा लेकर देखिए प्लीज। आप पहले इन्हें संभाले, फिर जाके आप बच्चे से मिल सकते हैं। जी, अभी 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 थोड़ा काम ना हो जाए, अगर उमर से मिलना है तो संभाले अपने आप को। हां, मैं संभाल लूंगी खुद को। मैं चुप्पी हो गई, बस मुझे ले चलो ऊपर के पास, मुझे मेरे ऊपर के पास ले चलो। गौहर, इस तरह रोते हुए नहीं ले जा सकते तुम्हें। चलो अब तो सही हूँ ना, ले चलो मुझे मेरे ऊपर। अच्छा, के पास रो नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें। आओ आंटी, आपको पानी चाहिए? पीछे हटो तुम, ये तुम्हारी ही नौसत है जिसकी वजह से एक के बाद एक परेशानी आ रही है। तुम खड़ी तमाशा देख रही हो, दबा जाओ यहाँ से, दबा जाओ। मैं ये क्या कर रही हूँ? इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, दफा करो इसको। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। छोड़े बस।
उमर, उमर मेरी जान, मेरी बेटी आंखें खोलो, उमर, उमर आंखें खोलो। गौहर मत करो इस तरह। जहांगीर, आप इसकी हालत देख रहे हैं? ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा ऐसे इंशाल्लाह। प्लीज आप पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। चलो यहाँ से। मुझे अंडरस्टैंड करता था, मुझे समझता था, पर अब तो बेटा मैं उसकी गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं समझाऊंगा उसे कि भाई शाहजेब के साथ हमारे आज के नहीं 20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर अब हसन नहीं चाहता तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कौन सी बात? जाहिरी बात है, वो ये नहीं चाहता कि तुम शाहजेब से मिलो, तुम उसे दोस्ती छोड़ दो। जो वो चाहता है मॉम, वो नहीं होगा। लेकिन बेटा समझ क्यों नहीं रही है मॉम? उसने मेरे किरदार पर शक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, और आप लोगों को भी कोई गलतफहमी दूर करने की जरूरत नहीं है उसकी। जो भी चाहता है समझता है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा वो तुम्हारा शौहर है। पर वो ये रिश्ता नहीं निभा सका, ना मकाम खो बैठा है। एक आम मर्द की तरह अपनी बीवी को कैद करना जानता है, पर उस पर भरोसा करना नहीं। गलती मेरी भी है, मैंने सोचा समझा नहीं कि अब वो बचपन का वक्त नहीं रहा है। इस तरह हमारी दोस्ती तो मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता और मुकद्दस हो गया। एटलीस्ट हम दोनों को एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पूरी दुनिया की सोच गंदी है, तुम हम उसका कुछ नहीं कर सकते। शाहजेब, फरवा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर दुनिया की सोच गलत है तो हमें उसे बदलना चाहिए। झूठ और मुनाफिकत के साथ ना फरवा की जिंदगी गुजर सकती है और ना। लेकिन मेरी लोग प्लीज ये ना समझें कि मुझे हसन से दूर होने का दुख है। ये तो सिर्फ इस बात की है कि मैं जैसा उसको समझती थी वो वैसा नहीं निकला, कि मेरा इंतखाब गलत। अंकल, आपको ऐसे आराम से बैठना नहीं चाहिए था। आपको समझाना चाहिए था हसन को, उससे सवाल करना चाहिए था। मैं तो जा रहा था, फरवा ने रोक लिया मुझे। गलत रोका, हम अपनी सफाई पेश ना करें, लेकिन उनको आईना तो दिखाना चाहिए ना। मेरा बेटा जो कह चुका है वो ही इसका फैसला। अरे ये क्या फैसला सुनाएगा? फैसला तो आपको मैं सुनाऊंगा। सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। छोड़ दो रावी, तुम अपना दिल क्यों दिखा रही हो? उन लोगों का रवैया तो हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन अब तो रिश्ते बदल चुके हैं। जहांगीर ने गौहर की सारी हरकतों को, उसकी सारी आदतों को कबूल किया है।
तो फिर वो लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि जिंदगी के जिस जाल में तुमने अपनी मर्जी से अपने आप को डाला है ना, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब समझौता उन्हें नहीं तुम्हें करना है। आप सोच नहीं सकती गौहर क्या क्या हरकतें। मुझे पता है, सब समझती हूँ क्या कुछ कर सकती। खुदा ने डाला है उसे आजमाइश, अल्लाह ही उसे इस आजमाइश से निकाले। तुम बस दुआ करो कि उमर ठीक हो जाए। जहांगीर बहुत परेशान है। समझ सकती हूँ। यहाँ आफरी को हल्का से बुखार हो जाता था तो अलीम कैसे तड़प उठते थे। ये तो फिर उसका बेटा है, बेचारा मुसलसल बेहोश पड़ा है, क्रिटिकल कंडीशन में। मैं तो इस वक्त जहांगीर के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उन लोगों के वहां होते हुए तुम कैसे रह सकती हो? हमारा भी हेलो जहांगीर, सब खैरियत है ना? कहाँ हो तुम राबी? मैं तो भाभी के घर हूँ। उमर की तबीयत कैसी है? उसे होश आया? नहीं अभी नहीं आया, दुआ करो वो ठीक हो जाए। जहांगीर आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह उमर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने अभी गौहर और आंटी को भी देखना है ना? अम्मी घर पर अकेली हैं और तुम भाभी के घर चली गई हो। तो मैं और क्या करती? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आंटी का सामना कर सकूं। मैं अकेला भी तुम्हें छोड़ा जा सकता। जहांगीर देखिए ना, जाकर डॉक्टर कहाँ चले गए सारे, जाइए। लेकिन अगर मैं घर जाती तो वो मुझसे आपके बारे में पूछती, उमर के बारे में पूछती, मैं क्या जवाब देती उन्हें? मैं खुद आकर अम्मी को बताऊंगा। तुम वहां से निकलो, मैं यहां से निकल रहा हूं, थोड़ी देर में पहुंचता हूं। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस घर निकल रही हूं। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना, परेशान मत होना। गौहर संभालो ना खुद को, डॉक्टर्स एक घंटे के बाद विजिट पर आएंगे, तभी बात करूंगा ना उनसे। एक घंटे बाद आएगा ना डॉक्टर? यहाँ एक एक लम्हा मेरे लिए कयामत बन के गुजर रहा है। जाए जाकर बुलाए डॉक्टर को जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? देख तो रही हो डॉक्टर्स कितनी अच्छी तरह से उसका ख्याल कर रहे हैं। गफलत वो नहीं कर रहे, गफलत आप कर रहे हैं। आपको ख्याल नहीं कि आपका बेटा अस्पताल में किस हालत में पड़ा हुआ है? जाए जाकर देख कर आए डॉक्टर्स को। साकिब तुम संभालो इसे, मैं थोड़ी देर में आता। बेटा इस हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है, ये राबी से फोन पे बात किए जा रहे हैं। जहांगीर को हर वक्त बस अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र लगी रहती है। छोड़ दें इसे, सिर्फ उमर को देखें आप अभी। क्या हुआ अब? सब खैरियत तो है ना? हसन तुम एक काम करो, अम्मी को घर ले जाओ, बहुत थक गई है वो। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, क्यों जिद कर रही हैं? हसन इन्हें अपने साथ लेके जाओ और इनके साथ ही रहना प्लीज। चाहे अम्मी चली जाए आराम कर। अच्छा चलिए अम्मी। अच्छा तुम घबराना नहीं, फिक्र नहीं करना, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। बहन का ख्याल रखना। बेफिक्र हो जा। आओ बैठो, खाना खाओ। अब ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं है। रमशा तुम तो मुझे समझाया करती थी कि लड़कियां इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी के खातिर अपनी जिंदगी खत्म कर दें। आज तुम्हारे दिल पे चेहरे पे उदासी देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तकलीफ हो रही है मुझे। ना मैं उदास हूँ और ना मैं अब कभी रोऊंगी। शाहजेब से मैंने ताल्लुक खत्म किया है, उसकी अंगूठी मैंने उतार के फेंकी है।
अगर खुद को मजबूत कर ही लिया, चेहरे पे उदासी क्यों है फिर? मैं उदास नहीं हूं और मैं वादा करती हूं कि अब तुम मुझे कभी कमजोर नहीं देखोगी। तुम वाकई मुझसे ज्यादा मजबूत हो। और मैंने सोच लिया कि बहुत जल्द मैं अपने लिए कोई जॉब तलाश करूंगी। कुछ देर रुक जाओ, जैसे ही सब ठीक होता है मैं मौका मिलते ही अपने बॉस से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा चलो अब खाना खाओ। क्या सोचा फिर आपने, अम्मी को बताएंगे या नहीं? बताना तो पड़ेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि अम्मी की तबीयत भी खराब हो सकती है। खाली घर में कितनी वहशत सी हो रही है। अच्छा आप रिलैक्स करें, ठीक है? आपको सुबह फिर ले जाऊंगा। क्यों आए आप यहां पे अब? तुम ये मत समझना कि मैं यहां अपनी बेटी के लिए तुम्हारी मिन्नतें करने आया हूं। तुमको एक बार ये बताना बहुत जरूरी था कि तुम कितनी गंदी सोच और गिरी हुई ज़हनियत के आदमी हो। पर आपकी अपनी बेटी? फखर है मुझे अपनी बेटी पर, जो कम से कम ये तो मान रही है कि उसने आपके बेटे का इंतखाब करके कितनी बड़ी गलती की। और तुम बरवा को कमजोर और लावारिस मत समझना। हसन, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हें तो मैंने जलील करके धक्के मार के अपने घर से निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने मेरे घर में द्वारा के खड़े हो गए हो? एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया ना और शाहजेब को कुछ कहा तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आज इसके और मेरे दरमियान का दीवार बन के आप खड़े हैं ना। अगर ये इतना ही अच्छा था तो फरवा की शादी इससे करनी थी आपको। हसन चुप करो। मैं अंकल को इस वक्त यहाँ इसीलिए लेके आया हूँ ताकि ये मामला क्लियर हो सके। सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब जाओ यहां से। हाँ, मेरा बेटा जो कह चुका है वो है इसका फैसला। अरे ये क्या फैसला सुनाएगा? फैसला तो आपको मैं सुनाऊंगा। भाड़ में जाएं आपके फैसले और आप। मैं तो अपनी उम्र की वजह से पहले ही बड़ी परेशान हूँ। मेरा बच्चा मौत और जिंदगी की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मुझे आपकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए आप जाएं यहाँ से, ताकि कहीं चले जाए। क्यों फोन कर रहे हो? अब क्या कहना बाकी रह गया है? क्यों आए थे वो मेरे पास? कौन आया था तुम्हारे पास? तुम्हारे डैड और तुम्हारा शहीदा शाहजेब। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को भी तुम्हारे घर भेजने की। क्या सोचकर भेजा था कि तुम्हारे डैड मुझे बातें सुनाएंगे, मुझे डांटेंगे तो मुझसे माफी मांगकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा? हाँ, यही सोचा था ना। तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं उस घर में अब वापस आना चाहूंगी। तुम चाहो तो मेरा कॉन्टेक्ट भी डिलीट कर सकते हो। ना ही मुझे तुम्हारी आवाज सुननी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी। डिलीट तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कर चुका हूं।
डैड कहाँ है? वो हसन के घर गया है ना? हाँ। डैड क्या उसको समझाने गए? हसन बच्चा नहीं है कि इतनी बड़ी गलती करे और उसे माफ कर दिया जाए। वो उसके रवैये पर उसे हिसाब लेने गए। पर मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था ना मॉम। मुझे और तुम्हारे डैड दोनों को गुस्सा था। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं भी उनके साथ जाऊं और दिल की भड़ास निकालूं। लोग नहीं जानते कि हसन क्या समझ रहा है। फरवा कॉल कर। हेलो। हाँ फरवा। तुम क्यों गए हो हसन के घर? फरवा मैं अंकल को इस हालत में हसन के पास अकेले नहीं भेज सकता था। उसने तुम्हारे बारे में बात की और तुम ही वहां पे पहुंच गए। तुम साबित क्या करना चाहते हो शाज़िब कि जो उसने बोला वो सच है? फजूल बातें मत करो फरवा। मुझे बताओ क्या फायदा हुआ वहां जाने का? उसने कोई बात सुनी तुम्हारी? मुझे पता है दिल खोलकर बकवास की होगी उसने। अंकल जितने गुस्से में थे उसकी हिम्मत ही नहीं होती कोई बात करने की। वैसे हमें वहां पहुंच के पता लगा कि सिचुएशन ही कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि उमर का कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। व्हाट? परवा क्या हुआ? गौहर और उमर कहाँ है? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम लोगों से। नहीं वो मैंने समझाया भी था तुमको कि भूल जाओ सारी बातों, और मुझे लगा कि तुम भूल भी गई हो समझ भी गई हो, लेकिन आज की हरकत के बाद उससे बड़ी हरकत तुमने की। जहांगीर को ले जाके दोनों को छोड़कर आ गई तुम। मैं बताया था मैंने कि मैं नहीं रह सकती उमर के बगैर। मैंने कहा ना कि उमर हमेशा आपके साथ रहेगा। तू कहाँ है गौहर? उमर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या हुआ है गौहर? बहुत ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो स्कूल से वापस आते हुए उमर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? उमर का एक्सीडेंट हो गया? तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। आप जानती हैं कितना बहादुर है वो, मामूली चोटें आई हैं। जी ज्यादा चोट नहीं लगी उमर को, उमर ठीक है। झूठ बोल रहे हो तुम तो, मुझे तसल्ली दे रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वो जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे अभी लेके चलो, मुझे अभी जाना है उसके पास। अभी नहीं अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेके आओ। कितनी तकलीफ में होगा मेरा बच्चा, कितनी चोटें आई हैं उसे। तकलीफ में नहीं है, आप जानती हैं कितना बहादुर है वो, ठीक हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा। तो फिर मेरी बात कराओ उससे, मेरी बात कराओ अभी। अच्छा मैं करवा दूंगी, आप पानी पी। मेरी बात कराओ उससे। अम्मी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो आपकी बात करवा दूंगा। मेरे साथ लेके चलो, पता नहीं कितनी चोटें आई होंगी। अगर वो ठीक है तो मुझे याद कर रहा होगा वो। याद तो वो आपको बहुत ज्यादा कर रहा था आंटी, लेकिन अभी आप उससे मिल नहीं सकती, डॉक्टर से मना किया है। वो सो रहा था, है ना जांगे? हाँ सो रहा है वो। मुझे तसल्ली नहीं होगी जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखूं। अम्मी आपको इतना परेशान देखेगा तो वो और परेशान होगा। ठीक हूँ, उसे ले आओ। मैं कैसे ले आऊ उसे? डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे हॉस्पिटल से, तब लाऊंगा ना, अपनी मर्जी से तो नहीं ला सकता। ठीक है फिर, जल्दी से जाओ, मेरी बात कराओ। मैं करवा दूंगा आपकी बात, आप ये पानी पिए। कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं कराओगे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कितनी चोटें आई हैं उसे, कितनी तकलीफ में होगा। रावी अम्मी हार्ट पेशेंट, किसी तरह उन्हें कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश तो करो। जब तक आप उनकी बात नहीं करवाएंगे ना उमर से, इसी तरह परेशान रहेंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पर अम्मी के मामले में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता। ख्याल रखना उनका, देखता हूँ जाकर उमर को।
हसन, हसन क्या बात है, हॉस्पिटल वापस क्यों आ गए हो? ओ, अम्मी को मैंने टैबलेट्स देकर सुला दिया है, सही से कह दूंगा ख्याल रखें तुम। अम्मी को इस तरह अकेला थोड़ी छोड़ना चाहिए था यार। उमर कैसा है? अभी तक तो वैसा ही है। अच्छा चलो अब आ ही गए हो तो काउंटर पे जाके जरा बोल दो कि किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, बस जितना लगे जो लगे कोई टेंशन नहीं है। हाँ फरवा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर के एक्सीडेंट का पता चला, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? साकिब भाई को कॉल कर रही थी उमर का पूछने के लिए। मैं तुम्हारे लिए हसन से लड़ रहा हूँ, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने जो भी सोचा वो गलत है, लेकिन पता नहीं शायद मैं तुम्हारे लिए गलत सोच रहा हूं। शाज़ेब इस वक्त भी तुम्हारे साथ मौजूद है। पता नहीं सिग्नल्स का कुछ इशू हो रहा है, कॉल ड्रॉप हो गई है शायद। वो अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। भाई हमेशा से फरवा को स्पेस देते रहे, पता नहीं उन्हें कब समझ आएगी कि फरवा एक बदकिरदार लड़की है। हाँ क्या हुआ हसन? भाई मैं घर ही जा रहा हूँ, बस आपसे एक बात पूछनी है मुझे। पूछो, खैरियत तो है? फरवा के बारे में मेरी कई हर बात आपको झूठी लगती है ना? प्लीज अपने दिलो दिमाग से अभी फरवा को निकाल दो। मैं तो उसे अपने घर से निकाल चुका हूँ, पता नहीं आपकी हमदर्दी अब तक उसके साथ क्यों है। उमर हॉस्पिटल में, क्या आज के लिए बातें भूल नहीं सकते तुम? आप मुझे बस इतना बताएं कि आपने उसकी कॉल क्यों रिसीव की, क्यों बात की उससे आपने? मैंने नहीं की उससे बात। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने बात ना की उससे। अरे भाई मैंने नहीं की उससे बात, जैसी मैंने शाज़ेब की आवाज सुनी फोन रख दिया मैंने। शाज़ेब? शाज़ेब वहां भी मौजूद था? सुनो, So